शरीर छोड़ने के बाद 47 दिनों तक क्यों भटकती है आत्मा? सुनिए हैरान करने वाली दास्ता। मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, नरक और स्वर्ग का सफर किस तरह से तय करती है, यह बातें आज तक एक रहस्य है। मगर इस रहस्य से पर्दा उठता है गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण एक रौती ऐसी किताब है जिसमें मौत के रहस्य का राज खोला गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आत्मा 15,84,000 किलोमीटर दूरी तय करके यमलोक पहुंचती है। यह यात्रा 47वें दिन खत्म होती है। इन 47 दिनों तक आत्मा तमाम यातनाएं झेलती है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के स्वर्ग गमन या नर्क गमन की मान्यता है। शास्त्रानुसार जो व्यक्ति सुकर्म करता है वह स्वर्ग गमन करता है, जबकि जो व्यक्ति कुकर्म करता है वो नर्क गमन करता है। शास्त्रानुसार मृत्यु उपरांत आत्मा को सर्वप्रथम यमलोक ले जाते हैं। इस यमलोक की यात्रा मृत्यु के 47वें दिन खत्म होती है। इसके लिए आत्मा को कई लाख किलोमीटर चलना पड़ता है। यमलोक में यमराज आत्मा के पाप पुण्य के आधार पर आत्मा की स्थिति तय करते हैं। मृत्यु उपरांत आत्मा के भूलोक में यमलोक तक के सफर का विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। मृत्यु करीब आती है तो बोल भी नहीं पाता इंसान। गरुड़ पुराण में एक बात अंकित है, किस प्रकार व्यक्ति के प्राण छूटते हैं। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु से पूर्व व्यक्ति बोल नहीं पाता। अंत समय में व्यक्ति में दिव्य दृष्टि आ जाती है तथा उसे सारा जगत ब्रह्म स्वरूप लगने लगता है। व्यक्ति के जड़ अवस्था में इंद्रियां नष्ट हो जाती है, फलस्वरूप मुंह से लाल या झाग टपकने लगते हैं। पापियों के प्राण गुदा द्वार से निकलते हैं। पाप आत्मा को सहना पड़ता है। वह गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु काल पर पाशदंड धारण किए हुए भयानक क्रोध युक्त दो यमदूत प्राणी के पास आते हैं। यमदूतों को देखकर प्राणी का भय के मारे मलमूत्र निकल जाता है। यमदूत पाप आत्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। पाप आत्मा को रास्ते यमदूत भयभीत करते हैं, नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर पाप आत्मा रोदन करने लगती है। इस समय दुखी पाप आत्मा अपने पाप कर्मों को याद करके झगलाती है। पाप आत्मा के भूख प्यास से व्याकुल होने पर यमलोक उनकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे धकेलते हैं। पाप आत्मा कई बार गिरकर बेसुध हो जाती है, परंतु यमदूत निरंतर पाप आत्मा को यातना देते हुए अंधकारमय मार्ग से यमलोक की ओर धकेलते हैं। यमलोक 99,000 योजन अर्थात 15,84,000 किलोमीटर दूर है। गरुड़ पुराण अनुसार पाप आत्मा के यमलोक पहुंचने पर तथा यमदूतों की यातना सहने के पश्चात यमराज की आज्ञा अनुसार पाप आत्मा को पुनः उनके घर छोड़ दिया जाता है। घर लौटकर पाप आत्मा पूर्ण शरीर में प्रवेश की चेष्टा करती है, परंतु याम पाठ में बंदी होने के कारण वह भूख प्यास से वश रोती रहती है। अंत समय में परिवार द्वारा किए हुए पिंड दान से पाप आत्मा की तृप्ति होती है, अतः भूख प्यास से बेचैन होकर पाप आत्मा पुनः यमलोक लौटती है। अगर पुत्र पौत्रों द्वारा पाप आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाता तो वह प्रेत रूप धारण कर दीर्घकाल तक रुदुकु होकर भटकती रहती है। मृत्यु के उपरांत 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान के 4 भाग होते हैं। पिंडदान के 2 भाग मृतदेह को प्रकट होते हैं, 3रा हिस्सा यमदूत को प्राप्त होता है तथा 4था हिस्सा पापात्मा रूपी प्रेत का ग्रास बनता है। मृत शरीर के अंतिम संस्कार उपरांत पिंडदान से प्रेत को हाथ के बराबर शरीर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण अनुसार प्रेत को पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन व कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय,
चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, पांचवें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे व सातवें दिन के पिंडदान से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन के पिंडदान से पैर, नवें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है, दसवें दिन के पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है तथा प्रेत की भूख प्यास उत्पन्न होती है। पिंड शरीर धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11 व 12 दिन का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लेते हैं। वेतरणी नदी से यमलोक के 86,000 योजन के सफर तक प्रेत प्रतिदिन 100 योजन चलता हुआ 47वें दिन यमलोक पहुंचता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।